हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरफुल क्रिएटर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वल्चर्स यानी गिद्ध के प्रजातियों के बारे में। अब आप लोग ये सोचोगे कि गिद्ध के बारे में जानकर हम लोग क्या करेंगे। मांसभक्षी, बदसूरत, भले ही दिखने में सारे जानवर प्रजातियों का चाचा लगता हो, बट इस वंश में भी इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती है जो बहुत खूबसूरत पक्षी प्रजातियों को भी मात दे सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप किंग वल्चर को ही ले लीजिए। ये स्पीसीज इतना ज्यादा खूबसूरत है कि काफी खूबसूरत खूबसूरत बर्ड स्पीसीज को भी मात दे सकती है। ऐसे कई सारे वल्चर प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद है और आज हम ऐसे एक यूनिक बर्ड स्पीसीज के बारे में, मतलब वल्चर स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं। नाम ब्लैक वल्चर। ये प्रजाति सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती है। अब इस प्रजाति के बारे में ज्यादा जानना हो तो प्लीज पूरा वीडियो देखते रहिए। ब्लैक वल्चर्स अमेरिकन ब्लैक वल्चर्स नाम से भी जानी जाती है। अमेरिका के अलावा भी ये प्रजाति कैरेबियन सागर के विभिन्न द्वीप में भी पाई जाती है। चोट से लेकर पूंछ तक इस प्रजाति की लंबाई 56 से 75 सेमी तक है। इस प्रजाति की पूरी बॉडी ब्लैक फेदर से ढकी होती है और इनके सर और गर्दन पे कोई फेदर्स नहीं रहते और ये डार्क ग्रे कलर के होते हैं। दूर से देखने पर बहुत से लोग इनको क्रो समझने की गलती भी कर सकते हैं। हालांकि ये क्रो से आकार में बड़े हैं, लेकिन ब्लैक वल्चर्स भी कौवे की तरह परिवेश के साफ कर्मी का रोल निभाते हैं। हालांकि ये प्रजाति सूखी वीरान जमीन जहां पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं ऐसे इलाके ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी खाने के तलाश में ये इंसानी इलाकों में भी आ जाते हैं। ये इंसानों के फेंके हुए कचरे, मरे हुए जीव को खाके परिवेश को साफ रखते हैं। ये प्रजाति आमतौर से मुर्दाखोर जीव प्रजातियों में से है, फिर भी कभी कभी ये दूसरे पक्षियों के अंडे और छोटे जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। शिकार करते वक्त ये घंटों भर एक ही जगह मंडराते रहते हैं। जैसे ही कोई शिकार या मरा हुआ जीव इनको नजर आती है, एक साथ उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। इनके चोंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये जानवर की बॉडी से आसानी से मांस नोच सकते हैं। प्रजनन ऋतु में इस प्रजाति के नर मादाओं का हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पैटर्न में आसमान में उड़ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई इत्यादि। ब्लैक वल्चर्स आमतौर पर अपना घोंसला किसी पुराने पेड़ के होल और जमीन के ऊपर बनाते हैं। ये प्रजाति घोंसला बनाने के लिए कोई नेस्टिंग मटेरियल्स का यूज नहीं करते, लेकिन उस जगह को वो विभिन्न रंग के प्लास्टिक्स और कांच से सजाते हैं। इस प्रजाति का एक साल में मात्र दो ही बच्चे होते हैं। माता पिता दोनों ही अंडे सेते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। अंडे से निकलने के बाद ये बच्चे बहुत फ्लफी और व्हाइट रोम से ढके होते हैं। जन्म के बाद दो महीनों तक ये चूजे अपने माता पिता की निगरानी में रहते हैं। हालांकि ये प्रजाति कचरा और मुर्दा खाके परिवेश को साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके बॉडी से निकलने वाले पदार्थ बहुत पॉइजनस यानी हानिकारक होते हैं। इनके ड्रॉपिंग्स यानी पूप्स किसी भी पेड़ को हार्म कर सकते हैं और उनको मार सकते हैं। इनके पूप्स में बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं, जैसे हिस्टोप्लास्मोसिस और सैल्मोनेला इत्यादि। इन सब के बावजूद भी इस स्पीसीज को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया है। अमेरिका में ब्लैक वल्चर्स को माइग्रेटरी बर्ड्स टेरिटरी एक्ट ऑफ 1980 के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिली है। इस कारण से विदाउट परमिशन इस प्रजाति का शिकार यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगल है। इस मामले में दोषी को 6 महीने का जेल हो सकता है और $15,000 का जुर्माना भी भरना हो सकता है, जिस वजह से ये पक्षी फिलहाल सुरक्षित है और USA में अच्छे से पल फूल रहा है।
अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।